क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 37 की तरह इसमें पूछा है आपके आवर्त वितरण यानी कि सीजनल वेरिएंस क्या करने हैं आपको ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन नंबर आपका 37, तो दो दो पूछे गए हैं, इसमें केवल एक ही ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो आपके सन 2009 2010 2000 का लिखना है, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर, फिर 2010 का लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, फिर लिखेंगे 2011 का फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर, फिर लिखेंगे 2012 का फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर। इसमें आपके देखो दे रखे हैं आउटपुट दे रखा है, कितना है आउटपुट आपके 28 52 67 59, फिर है 53 99 80 87 120 100 93 84 120 87 81। अब आपको ज्ञात करने हैं, आपको फोर ईयर टोटल ज्ञात करना है, फोर ईयरली टोटल, इन चारों को जोड़ना है आपको, 28 52 67 59 जो जो सामने लिखेंगे यहां पर, यहां आएगा फिर मतलब दोनों के बीच में 205 यह आएगी इसकी जोड़, फिर 28 को रहने दो और 53 ले लो, 28 को घटाओ और 53 ले लो, ये आ जाएगा इसके सामने 3 और 4 के बीचों बीच 230। फिर है आपको 52 को हटाना है और 99 लाना है, माइनस करेंगे 52 प्लस कर देंगे 99, ये होता है माइनस का होता है आपके 277 या फिर इन चारों की जोड़, फिर आपके 67 जाएंगे और 99 आएंगे, माइनस 67 प्लस 99, ये होता है यहाँ लिखेंगे माइनस का प्लस का 310, फिर 59 जाएगा और 80 आएगा, माइनस 59 प्लस 80 ये हो जाएगा आपके 331, फिर आपके 53 जाएगा 87 आएगा, माइनस 53 प्लस का 87 ये होता है आपके 365, फिर आपके 99 जाएगा 120 आएगा, माइनस 99 प्लस का 120 ये होता है आपके 386, फिर आपके 99 जाएगा और 100 आएगा, मतलब 99 गया 100 आया मतलब एक बढ़ जाएगा 387, फिर आपके 80 गया और 93 आया, 80 जाएगा और 93 आएगा ये हो जाएंगे आपके 400, फिर 87 जाएगा और 84 आएगा, 3 कम मतलब के 397, फिर आपके 120 जाएगा और 120 आएगा मतलब 397 रहेंगे, फिर 93 जाएगा और 87 आएगा मतलब कितने कम हो जाएंगे 7 की कमी, हाँ 6 की कमी आई, 6 की कमी 391 ये होता है 7 और 3 10 93 + 84 + 120 + 87 384 आ गया, हाँ 100 जाएंगे और 87 आएंगे तो 384 आएंगे, फिर आपके 93 जाएंगे 81 आएंगे, माइनस कर देंगे 93 प्लस कर देंगे 81 ये होता है आपके 372, ये तो बीच में आई, ये तो लाइन के ऊपर आ गया, जबकि हमें साल के सामने चाहिए, क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे और इस 67 के सामने आ जाएगा, 205 + 230 ये होता है 435, 4 साल ये 2 साल ये भाग देंगे 8 का ये होता है आपके 54.4, अब 54.4 माइनस कर देंगे कितना हम 67 ये हो जाएगा आपके 11.6, वो किसका आएगा आपके प्लस का। अब हर एक बार आपको ऐसे ही करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इसके सामने लिखना है और 8 का क्या देना है इसमें आपको भाग देना है इस लाइन में, मतलब कि 230 + 277 करना है, ये आता है 507 और फिर आपको भाग देना है 8 का
जो आता है आपके 63.4, ये 59 में से घटाएंगे 63.4 तो आएगा आपके माइनस में आ जाएगा 4.4। हर बार ये करना है, इन दोनों को जोड़ना है या लिखना है, 8 का भाग देना है, यहाँ से संख्या आएगी फिर यहाँ पर आपको अंतर लिखना है। ऐसे लिखोगे तो थोड़ी दूर बाद क्या, ऐसे इनको हरेक को ऐसे ज्ञात, जैसे हमने दो में ज्ञात किया ऐसे हरेक को ज्ञात कर लेंगे, ऊपर दो खाली रहेंगे या नीचे भी इसके दो खाली रहेंगे क्योंकि इसके सामने आएंगे 120 के सामने। अब ये जो हमने यहाँ बनाया था वही आपको यहाँ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, पहले जैसे क्वार्टर यहाँ क्वार्टर ऐसे लिखो आप 1, 2, 3 और 4 और यह इधर लिखो 2009, 10, 11 और 12। कैसा है, सबसे पहले 0 यहाँ भी 0, फिर कितना आया है 11.6 माइनस का 4.4 तो 0 0। फिर अगले साल दे रखे हैं आपके माइनस में 20.4, फिर है 18.9, फिर है आपके माइनस का 13.9, फिर माइनस का 9.6, फिर है आपके 21.6 0.4 माइनस का 6.3, ये आ रहा है गलती है 11.6 4.4 20.6 18.9 फिर ये 12 आएगा 12, फिर है माइनस का 13.9, फिर है माइनस का 9.6, फिर है 21.6, फिर 0.4 माइनस का 6.3 माइनस का 13.6 25.5 फिर 0 फिर 0। ऐसे क्वार्टरली याद करना है, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 20.4 माइनस का 9.6 माइनस का 13.6, ये होता है आपके माइनस का 43.6। अब ये तीन है, तीन का भाग लो, याद आएगा 14.5 आ रहा है माइनस का, फिर है 18.9 18.9 प्लस 21.6 प्लस 25.5 ये होता है 66, भाजक तीन करेंगे तो आता है 22 प्लस का 11.6 प्लस 12 प्लस 0.4 ये होता है आपके 24, भाजक तीन ये आएगा 8, 4.4 प्लस 13.9 प्लस 6.3 ये होता है 24.6, भाजक तीन करेंगे तो ये आएगा आपके 8.2। अब ये वाले मान आप याद जमा अगले वाले ज्ञात करेंगे तो 36 का सेकंड पॉइंट, 36 का सेकंड पॉइंट वो ज्ञात हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या था, 36 सवाल के अंदर जो आपकी ज्ञात हो जाएगा, 36 क्वेश्चन में था आपके इरेगुलर इन्फ्लेक्शन, वो आप ज्ञात कर सकते हो अगर पूछे तो, नहीं पूछा तो यहां तक ज्ञात करना है।